हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैविस। और गाइस, आज की वीडियो में मैं अपने सारे राइडिंग गियर का रिव्यू करूंगा। मैं कौन सी जैकेट यूज़ करता हूँ, मेरा करंटली हेलमेट कौन सा है और कौन से ग्लव मैं पहनता हूँ और भी बहुत कुछ। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया गाइस, लिटरली थैंक यू। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करता हूँ हेलमेट के साथ। तो गाइस, ये है मेरा स्टड्स का शिफ्टर और ये मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। ओवरऑल मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी फिनिश और इसके जो कट्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक थोड़ी बहुत ही दे ही देते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें दो वाइजर आपको मिलते हैं। ये वाला रिमूवेबल है, जो ब्लैक सनग्लासेस टाइप जो आपको मिलता है ये रिमूवेबल नहीं है। ये आपको बस साइड से रोटेट करना और जो ऊपर वाला वाइजर है आपका निकल जाता है। ओवरऑल फॉग में भी गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपके जो विंडशील्ड पे वो फॉग सी आ जाती है, वैसा कुछ नहीं होता। ये मैंने अपने माउंट के लिए लगाया हुआ है, SJK मैं इसके ऊपर माउंट करता हूँ। 1.3 kg गाइस इसका वेट है। लॉन्ग राइड्स पे अगर आप 70 kg प्लस हो तो मेरे ख्याल से आपकी नेक हर्ट नहीं होगी। बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है गाइस, इसमें एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, तो जो विंड की जो सर्कुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है जब आप लॉन्ग राइड्स करते हो और ज़्यादा मतलब स्वेटिंग नहीं होती। तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैं रिकमेंड करूँगा। अब गैस बात करते हैं जैकेट की जो मैंने पहनी है। तो गैस ये है स्किमिटार की कॉस्मो V2, ये मेरी फर्स्ट जैकेट ही होगी। और इसमें गैस आपको लेवल 1 के CE सर्टिफाइड गार्ड्स मिल जाते हैं, एल्बो गार्ड्स मिल जाते हैं। एल्बो गार्ड्स यहाँ रिस्ट तक आ ही जाते हैं, ऑलमोस्ट फोर आर्म आपकी कवर कर देते हैं। और आपको चेस्ट गार्ड इसमें कोई नहीं मिलता, चेस्ट वाला जो आर्मर होता है इसमें कोई थर्मल लाइनिंग नहीं होती इसमें। ऑल दो आपको इंटीरियर एक पॉकेट मिल जाती है, अगर यहाँ पे आप अपना फ़ोन रखना चाहो तो रख सकते हो, बिकॉज ये जो पॉकेट है, जिपर है, ये वाटरप्रूफ है। इसमें एक और आपको वो गार्ड मिल जाता है बैक के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्राइंगल गाइज है ये रिफ्लेक्टिव है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मतलब अगर आप रात को राइड कर रहे हो तो पीछे से रिफ्लेक्शन आपकी जैकेट पे पड़ेगी, आपकी रात को विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ये जैकेट बढ़ाएगी। ओवरऑल गैस ये जैकेट ठीक है। इसका जो साइज़ है गैस वो मैंने L मंगवाया था, ऑल दो मैंने M मंगवाना चाहिए था, आई गेस यस M मंगवाना चाहिए था, बट मैं L मैंने कंसिडर किया। उस टाइम जब गैस ये मैंने मंगवाई थी जैकेट, तो वो कोविड वाला सीन चल रहा था और रिटर्न्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने बोला साइज़ बड़ा मंगवा लेता हूँ। और ठीक है गैस, इस अगर आप देख सकते हो इसकी फ़िट कैसी आई है मेरे को। अगर इसकी मैंने एक वैसे डिटेल रिव्यू भी बनाया था, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया उसे बनाए हुए और वो थोड़ा क्वालिटी उस वीडियो की डाउन थी और कई लोगों को ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला इसे एक बार दोबारा ऐड कर देता हूँ और एक बार आपको बता देता हूँ। और गैस जो इसमें आपको स्ट्रैप्स मिलते हैं वो सारे एडजस्टेबल हैं, ये आप रिस्ट वाले जो स्ट्रैप्स मिलते हैं ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे। और जब आप क्लोज़ करोगे तो आपको यहाँ पे डाउन में भी नीचे स्ट्रैप्स मिलेंगे जो आपकी वेस्ट के साइड पे, वहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा लूज फिट ना लेना गैस, बिकॉज फिर आर्मर लूज से हो जाते हैं और फिर वो काम फंक्शन नहीं करते जैसा आप चाहते हो। अब उसके बाद गैस हम आते हैं ग्लव्स पे। ग्लव्स गैस मेरे पास 3 पेयर्स हैं। सबसे पहले गैस ये मैंने लिए थे, ये शायद मैंने AliExpress से लिए थे, बट नो डाउट गैस ये ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा चले, इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 2 साल हो गए हैं। बट ओवरऑल इनकी गैस जो फिटिंग थी और कंफर्ट लेवल अगर मैं बोलूँ समर राइडिंग के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक बार मैं आपको पहन के बता देता हूँ। इसमें आपको स्लाइडर्स भी मिलते हैं फ्रंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके ग्लव्स में स्लाइडर्स नहीं और बाय चांस आप क्रैश हो जाते हो तो आपके सीधा हाथ पे प्रेशर पड़ता है और आपकी जो रिस्ट होती है वो ब्रेक होने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है। लेकिन अगर स्लाइडर होते हैं तो वो स्लाइड कर देते हैं और आपकी जो रिस्ट होती है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। तो गाइस ये ऐसे लगते हैं पहनने के बाद, काफ़ी अच्छी लुक देते हैं पर्सनली, और मैंने इन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे पहना है। और अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, मेरे ख्याल अब ये इंडिया में भी मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे ग्लव्स हैं गाइस, ये भी मटेरियल भी सॉलिड है, मैं क्रैश नहीं हुआ कभी, लेकिन मेरे को उम्मीद है अगर मैं ये पहनूंगा तो ठीक ठाक मतलब हाथ बच जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस दूसरा पेयर। तो गाइस ये मैं विंटर में नहीं पहनता, विंटर में ये बिल्कुल काम नहीं आते, क्योंकि इनमें जो विंड सर्कुलेशन है वो सारे वेंट्स गिवन है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा इतनी ज़्यादा गैस विंड मतलब अंदर जाती है ना हाथ के, तो ग्लव्स पहनने का फ़ायदा नहीं होता। ये मैंने लिए थे लेदर के पूरे, लेकिन गैस ये इसके ओवरऑल अगर आप विंटर के हिसाब से देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं राइडिंग करते हुए पहनूँ ना गैस, तो अगर तो मैं बाइक चलाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। अगर मैं किसी एक्टिवा पे जा रहा हूँ भी आस पास तो उसके लिए ठीक है, बट पता है कि आप जब आप ब्रेक दबाते हो ना गैस, जैसे मैं 2 finger ब्रेक यूज़ करता हूँ, मैं अगली 2 finger से ब्रेक दबाता हूँ, तो जब मैंने ब्रेक दबानी होती है ना, तो ये जो आगे का जो
एक्स्ट्रा मटेरियल आया हुआ ना, ये फंस जाता है और ये ब्रेक लगाने से मतलब ब्रेक नहीं लगने देता, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डर रहता है एक्सीडेंट का, तो मैं ये वाले प्रेफर नहीं करता। बट ऑल दो अगर आप विंटर के हिसाब से देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे, बट राइडिंग के हिसाब से मैं प्रेफर नहीं करता। राइडिंग के हिसाब से मैंने एक और लिए थे, फिर बाद में एक और ग्लव्स मैंने ट्राई किए, ये हैं गाइस वो ग्लव्स। ये मैंने ज़्यादा ट्राई मतलब ज़्यादा नहीं पहने, बट ये उस ब्लैक लेदर वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और ये भी मेरे ख्याल से विंटर के, इस विंटर के ही हैं ये भी। इनकी फ़िट ओवरऑल ठीक है, इसमें गाइस बस फ़र्क है इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कोई यूज़ नहीं होता आपके उसमें, और जब आपने ब्रेक दबानी होती है तो उस हिसाब से ठीक होता है। वॉर्म ये भी उतने ही है जितने वो हैं, बट वो थोड़ी सी लुक ज़्यादा अच्छी देते हैं इनसे, तो इसलिए। तो अब गाइस जैकेट हो गई है पूरी, मैंने अपना हेलमेट भी बता दिया है, ग्लव्स भी मैंने अपने शो कर दिए हैं। अब गाइस मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट बता दूं, अगर आप जैकेट नहीं बाय करना चाहते तो आप कोई भी मेरे ख्याल लेदर जैकेट यूज़ कर सकते हो। जब मैंने एक बार बहुत पहले शायद दो तीन साल पहले जब मैंने रोहतांग पास किया था तो मैंने लेदर वाली जैकेट पहन के किया था, और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी जैकेट है। लेदर भी आपको उसी टाइप से मतलब प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ इसमें एग्जैक्टली गार्ड्स नहीं होते, बट ये एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कोई जैकेट राइडिंग जैकेट नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी आप प्रेफर करते हो कि थोड़ा सा सेफ्टी में रहूं, तो आप कोई भी लेदर जैकेट ले सकते हो, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। अब गाइस मैं कोई नी गार्ड या राइडिंग पैंट्स नहीं पहनता, मैं सिंपल कोई भी जीन्स पहन लेता हूं, और काफ़ी ज़्यादा थिक मैं वो जीन्स पहनता हूं जब मैं राइड करता हूं। यूजुअली नॉर्मल डेज पे मैं जीन्स प्रेफर नहीं करता, तो मेरे पास जो होती है वो सिर्फ राइडिंग के लिए ही होती है। आप राइडिंग पैंट्स यूज़ कर सकते हो या नी गार्ड आते हैं, नी गार्ड दो टाइप के आते हैं, एक बायोनिक और एक नॉन बायोनिक। बायोनिक जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो नॉन बायोनिक होते हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। एक उन दोनों के मिड में भी आते हैं सेमी बायोनिक, वो बायोनिक गाइस मीन्स इतना होता है कि जब आप अपनी लेग्स ऐसे फोल्ड करते हो ना तो जो गार्ड है वो भी उसके साथ ऐसे फोल्ड हो जाता है, मतलब वो ऐसे सीधा नहीं रहता और अनकम्फर्टेबल सी फील नहीं देता। तो गाइस ये था मेरा सारा जितना भी मैं राइडिंग गियर यूज़ करता था, और इसमें अगर आपको कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में गाइस पूछ लेना, और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी फिर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस एक और बात मैं बताना भूल गया थी कि ये जो थर्सडे आया था, इस थर्सडे मैंने वो वीडियो ड्रॉप नहीं की, थर्सडे की, तो गाइस मेरे फाइनल चल रहे हैं और थर्सडे को मैं फाइनल दे रहा था अपना, उस टाइम मेरे पास कोई वीडियो थी भी नहीं तो मैं कोई ड्रॉप नहीं कर पाया, बट इस थर्सडे मैं पूरी ट्राई करूँगा कि कोई ना कोई वीडियो ड्रॉप करूँ, और यही कहना था गाइस मैंने। टिल देन गाइस राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय।